आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल नेचर स्केप में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे और अच्छी तरह से अपना भी और अपने बच्चे का भी ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं कि मैम बच्चा 7 महीने का हो गया, 8 महीने का हो गया, 9 महीने का हो गया, अभी तक चल नहीं रहा है या फिर वो खड़ा नहीं होता है, तो क्या करें, कब तक ये चलेगा, कब तक नॉर्मल है? तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर जानकारी देने जा रही हूँ। कौन सी एज सही होती है बच्चे के चलने के लिए, कब तक आप इंतज़ार कर सकती हैं, कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिससे कि आप समझ सकती हैं कि हाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा चलेगा, और कब आपको डॉक्टर के सलाह की ज़रूरत पड़ती है, क्या कुछ हेल्प कर सकती हैं आप बच्चे को जल्दी चलने के लिए। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आ जाएगी तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा। इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा और वीडियो अच्छी लग जाएगी, तो इसे न्यू पेरेंट्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। देखिए बच्चे के चलने की जो सही एज होती है वो 9 से लेकर के 16 महीने तक होती है। कुछ बच्चे 9 मंथ तक थोड़ा बहुत चलते हैं, यानी कि बच्चे अच्छी तरह से अपने से जो चलने लगते हैं वो उम्र 1 साल के मतलब जैसे कुछ बच्चे 12 महीने तक चलने लगते हैं, कुछ बच्चे 12 से ऊपर यानी कि 13, 14, 15, 16 महीने तक चलते हैं। लेकिन आप अगर अच्छी तरह से बच्चे का ख्याल रख रही हैं, उसके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे कि आप समझ सकती हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। सिर्फ क्या होता है ना कि कुछ बच्चे कोई चीज़ जल्दी करते हैं, कुछ बच्चे कोई चीज़ जल्दी करते हैं, जैसे कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीख लेते हैं, कुछ बच्चे जल्दी खाना खाना सीख लेते हैं, कुछ बच्चे खाना नहीं खाना चाहते हैं, काफ़ी समय लगता है, 1.5 साल लग जाता है बच्चों को खाने में। तो इस तरह से आपको सिर्फ बच्चों के जो सिम्टम्स होते हैं उसको देखिए, जैसे कि बच्चे के हाथ पैर के जो मसल्स होते हैं वो मजबूत हैं अगर, तो बच्चा 5-6 महीने का जब हो जाता है तो अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाता है, यानी खुद से बच्चा अपने पैर को जब आप लिटाए रहती हैं तो ऊपर की तरफ उठाता है, पैर के मतलब जो नीचे के साइड का होता है वो पकड़ करके मुंह में उंगली यानी कि पैर के उंगली जो होती है उसको मुंह में डालने लगते हैं। तो इससे साबित हो जाता है कि बच्चे का पैर जो है वो एकदम परफेक्ट है। और इसके अलावा जब आप बच्चे को लेकर के गोद में दूध वगैरह पिलाती हैं उसमें बच्चा ऐसे पैर को उठाता है ऊपर की तरफ। इसके अलावा जब आप जैसे कि बच्चा बैठने लगा है, आप गोद में किसी चीज़ का सहारा लेकर के बच्चे को बिठाना शुरू कर चुकी हैं तो उस समय बच्चा थोड़ा ऐसे उचकने की कोशिश करता है, इस तरह से उचकने की कोशिश करता है यानी कि उठने की कोशिश करता है। या फिर बच्चा आपका 8-9 महीने का हो चुका है और जब आप खड़ी हैं और बच्चा बैठा हुआ है या फिर बच्चा लेटा हुआ है और आप खड़ी हैं तो आप ऐसे गोद में लेने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाती हैं तो बच्चा अपने आप को उठाने की कोशिश करता है। तो ये सब लक्षण होते हैं कि बच्चे को समझ में आ रहा है, वो उठना चाहता है। सिर्फ क्या होता है कि अभी बच्चा उतना मजबूत नहीं हुआ रहता है और उसे उतना ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं मिली हुई है और वो खुद की बॉडी को संभालने में अभी उतना सक्षम नहीं, बस इतनी सी बात होती है। तो आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता होती है। अब बात कर लेते हैं हेल्प कैसे कर सकती हैं आप। जब बच्चा आपका जन्म लेता है उसी समय से आपको बच्चे के पूरे बॉडी की मसाज करनी होती है। मालिश बहुत ज़्यादा मददगार होती है बच्चे के बोन्स, बच्चे की जो मसल्स होते हैं उनमें मजबूती लाने के लिए, तो इसलिए आपको मालिश बेहद ज़रूरी है। हाथ पैरों की भी मालिश आप अच्छी तरह से करिए, दिन में कम से कम 2 या 3 बार आप उसके बर्थ के टाइम से यानी कि 10 दिन 8 दिन के बाद से मालिश करनी शुरू कर दीजिए और डेली यानी कि रोज़ आपको मालिश करनी है। इससे बच्चे के बोन्स जो होते हैं, मसल्स होते हैं वो मजबूत होते हैं और बच्चे में चलने की जो क्षमता होती है वो तेज होती है। तो ये एक आप करके लीजिए, फर्स्ट आप उसकी हेल्प कर सकती हैं मालिश करके। सेकंड आप उसकी हेल्प कर सकती हैं कि जब भी आपका बच्चा 8-9 महीने का हो चुका है और बच्चा उचकने की कोशिश यानी कि बच्चा बैठा हुआ है, आप खड़ी हैं या फिर बच्चा लेटा हुआ है, वो ऐसे आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है, तो उस समय आपको अपने हाथ का सहारा देना है। बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि बच्चे को सिर्फ वॉकर में डाल देते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल जाते हैं कि नहीं
बच्चे को कोई भी हेल्प वॉकर से नहीं मिलती है, सिर्फ आप जब व्यस्त हैं, एकदम से बिजी हैं, उस समय आप वॉकर में बच्चे को रख देती हैं, तो बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है इधर से उधर आने जाने के लिए, उतना ही। लेकिन जो फिजिकली आप बच्चे की हेल्प कर सकती हैं, वो सिर्फ आप ही कर सकती हैं। यानी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जब बच्चे को उठने की ऐसी इच्छा होती है, बच्चा उठने की कोशिश कर रहा है, उसमें आप हाथ का सहारा दे करके बच्चे को उठाइए। अगर बच्चे को ऐसा लग रहा है जैसे कि सोफ़ा वगैरह है घर में, जब बच्चे का आपको लगता है कि हाँ बच्चा थोड़ा उठने की कोशिश कर रहा है, उसमें जो छोटे मोटे खिलौने ऐसे होते हैं जिससे कि बच्चे को घाव लग सकता है, जख्म लग सकता है, या फिर बच्चा सोफे या कुर्सी के बीच में फंस सकता है, तो इन चीज़ों को हटा दीजिए। और सोफ़ा जहाँ बच्चे को आप लिटाती हैं, बैठाती हैं, वहाँ सा मतलब उसके ऐसा रखिए कि बच्चे को वहाँ तक पहुँचने में थोड़ी सी आसानी हो। बच्चा अगर उसे पकड़ करके उठने की कोशिश करता है, उसमें आप सहारा दे करके बच्चे को उठाइए, फिर उंगली का सहारा दे करके उसे एक दो कदम ऐसे चलाइए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को और बताना चाहती हूँ, जब बच्चा चलने की कोशिश स्टार्टिंग में करना शुरू करता है ना, तो उसमें आप देखेंगे जो बच्चे का पैर का तलुआ होता है नीचे से, वो थोड़ा सा उठा हुआ सा रहता है, जन्म के बाद से ऐसा रहता है। तो जब भी आप बच्चे की मालिश करती हैं, तो पैर के तलुओं को भी इस तरह से आपको इस तरह से अच्छी तरह से घिस घिस करके, थोड़ा सा ऑयल लगा करके, इस तरह से अच्छी तरह से घिस घिस करके मालिश करनी होती है। तो इससे वो जो स्किन जैसा उठा सा रहता है वो दब जाता है, एकदम ऐसे प्लेन हो जाता है, यानी सपाट जैसा हो जाता है, तो बच्चे को ज़मीन पर रखने में आसानी होती है। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो बच्चा जब चलने की कोशिश करता है तो उसका पैर थोड़ा सा उठा हुआ सा रहता है, तो इससे उसे चलने में दिक्कत महसूस होती है। हालांकि जब बच्चा अच्छी तरह से चलने लगता है, तो वो स्किन जो होती है वो खुद ब खुद दब जाती है, यानी नीचे से जो थोड़ा सा उठा हुआ सा रहता है वो खुद ब खुद दब जाता है और प्लेन हो जाता है पैर। लेकिन अगर आप मालिश करते समय पहले से ही ध्यान देती हैं, तो बच्चे को ये समस्या नहीं होती है। तो जैसे सोफे वगैरह का सहारा लेकर के बच्चा अगर खड़े होकर या सोफे को पकड़ करके थोड़ा सा ऐसे ऐसे चलता है, तो उस समय आप थोड़ा सा आगे खड़े होकर के बच्चे को सहारा दे करके, अगर वाह वाह इस तरह से करके उसको थोड़ा उत्साह उसको दीजिए, क्लैप देने से बच्चा खुश होता है, उसे लगता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया हुआ है, तो इस तरह से उसका उत्साह आप बढ़ाएं। और उसके बाद में आप उसे सहारा दे करके एक दो कदम चलाइए। शुरुआत के दिनों में बहुत ज़्यादा आपको नहीं चलाना है, अगर बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, वो खुश है, वो और आगे चलना चाहता है, तो फिर आप उसे थोड़ा सा और चला दीजिए, लेकिन आपका सहारा देना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा जब भी आप लोग फ्री रहते हैं, आपको दूसरा कुछ काम नहीं है, तो उस समय थोड़ा कोशिश करिए कि आप बच्चे के साथ में थोड़ा सा टहलें, यानी कि बच्चे का दोनों हाथ पकड़ करके आप उसके साथ खेलिए। तो इससे क्या होगा, बच्चे को ये समझ में आता है कि मैं अपने पैर पर चल करके खेल रहा हूँ, तो इससे उसे काफ़ी मदद मिलती है और उसे अच्छा भी लगता है चलना। तो इस तरह से जब आप लोग बच्चे के साथ खेलते हैं, जैसे पेरेंट्स दोनों हैं, मदर और फादर दोनों हैं, दोनों एक बार वो पकड़ करके थोड़ा सा चलाते हैं और फिर आप पकड़ करके थोड़ा सा चलाती हैं, तो इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है चलने के लिए। तो इस तरह से आप मदद कर सकती हैं। इसके अलावा जैसे कि बच्चा जब थोड़ा बहुत चलने लगता है किसी चीज़ को पकड़ करके, तो आप कोई खिलौना, कोई टॉयस उसका जो है वो सोफे पर रख दीजिए, बच्चा नीचे बैठा हुआ है तो वो उस खिलौने को लेने के लिए उठने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात आपके लिए ये है कि सोफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, यानी कि सिर्फ इतना है कि बच्चा एक हाथ ऐसे बढ़ाए और तुरंत सोफ़ा उसकी पकड़ में आ जाए। तो इससे क्या है, बच्चा सोफे को पकड़ करके उठने की कोशिश करेगा, उसके बाद उस खिलौने को लेने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा सा आप आगे की तरफ सरका दीजिए। जैसे यहाँ पर है टॉयस, तो आपने यहाँ पर सरका दिया, बच्चा सोफे को पकड़ करके यहाँ पर इतनी दूर तक आएगा। तो इस तरह से करने से क्या होता है, बच्चे को उस खिलौने को लेने की लालच में चलने की धीरे धीरे जो प्रेरणा होती है वो मिलती है, और बच्चा धीरे धीरे आगे की तरफ सरकता है एक एक कदम, और फिर इस तरह से वो चलने लगता है। और फिर जब बच्चा 2-4 दिन ऐसा कर लेता है, तो उसके बाद आप उसे फिर जैसे कि सोफे पर से आपने नीचे की तरफ रख दिया, या फिर पास में कोई टेबल है वहाँ पर आपने रख दिया, लेकिन ध्यान रखिए कि ज़रा सा भी ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा गैप हुआ तो बच्चा गिर जाएगा। गिर जाएगा तो कभी कभी कुछ बच्चे डर जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं डरते हैं, फिर से उस टेबल को पकड़ करके खड़े होने की कोशिश करते हैं।
ये चीज़ जो खिलौने का मतलब ऊपर रख करके आप बच्चे को खड़े होने में भी मदद कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चा अभी तक खड़ा नहीं होता है, अपने पैर पर नहीं खड़ा हो पाता है, तो इसके लिए भी आप हेल्प कर सकती हैं कि उसका पसंदीदा कोई भी खिलौना या भी कोई भी चीज़ जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे बहुत से बच्चे आजकल मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो मोबाइल को आप चालू करके उसमें कोई ऐसा सॉन्ग लगा करके जो बच्चे के लिए अच्छा हो, आप उसे सोफे पर रख दीजिए और पास में ही रहिए, और बच्चे को भी एकदम सोफे के पास में करिए, ताकि बच्चा उस मोबाइल को लेने के चक्कर में सोफे को पकड़ करके खड़ा हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा हाथ उठा रहा है और वो नहीं समझ पा रहा है कि इसके आगे क्या करूं, तो आप एक बार उसका हाथ जो है सोफे पर कर दीजिए, यानी कि सोफे का जो बॉर्डर होता है वहाँ पर बच्चे के हाथ को करिए, और फिर नीचे से उसको थोड़ा सा सहारा दे करके उठाने की कोशिश करिए, ताकि बच्चा उस सोफे को इस तरह से पकड़ सके। तो इस तरह से उसे एक दो बार कर देंगे तो दोबारा उसे फिर समझ में आ जाएगा कि इस तरह से खड़े हो करके मैं इस चीज़ को पकड़ सकता हूँ और मैं अपनी पसंदीदा इस चीज़ को पा सकता हूँ, ले सकता हूँ। तो एक दो बार ऐसा हेल्प करने के बाद में वो खुद ही ऐसे करने लगेगा, खड़े होकर के उस चीज़ को लेने की कोशिश करेगा। तो जब आप देख लीजिए कि हाँ अब बच्चा इस चीज़ को समझ गया है और अच्छी तरह से उसे कैच कर ले रहा है, पकड़ ले रहा है, ले ले रहा है अपनी पसंदीदा चीज़ को, तो आप दूसरा पत्र अपनाना शुरू करिए, यानी कि आप उसमें तब उसको बताना शुरू करिए कि आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे कि पास में कोई और दूसरी चीज़ है, कोई ड्रॉअर है, वहाँ पर आपने इस तरह से मोबाइल उसका रख दिया और फिर उसको वहाँ पर ले जाने की कोशिश किया, हाथ उसका पकड़ करके वहाँ तक ले करके जाइए। तो इस तरह से आप उसकी बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर सकती हैं टॉयज़ के ज़रिए, उसके पसंदीदा खिलौने, मोबाइल, इन सब के ज़रिए। और उत्साह बीच बीच में बढ़ाने के लिए आपको जैसे ही बच्चा उस चीज़ को पा जाता है, यानी आपने जो खिलौना ऊपर रखा है उसको पाने के लिए उसने जो इतनी मेहनत की है, तो उस मेहनत के बाद में आप उसको क्लैप दीजिए, स्माइल दीजिए, वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करिए, ताकि बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होए और बार बार उस काम को करने में उसको इंटरेस्ट आए, और इस तरह से आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। आई होप जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे बच्चे की चलने की सही उम्र क्या है, कब तक आप वेट कर सकती हैं, कब आपको डॉक्टर के पास जाना है, किस किस तरीके से आप बच्चे की हेल्प कर सकती हैं ताकि बच्चा जल्दी से जल्दी चलने लगे, ये समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा न्यू पेरेंट्स को, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।